नन्नी मुन्नी बेटियां जब खेलती रहती है, अत्याचारी उठाकर उसको भी अपने हवस का शिकार बनाता है। यहाँ की सरकार निर्दयी और असंवेदनशील है। रेप करने वाले उस अपराधियों को संरक्षण देने वाली की सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज पूर्णिया के चंपारण में अमित शाह की महारैली थी। जी हां, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनता को संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार है। यानी जब से महागठबंधन बिहार में बनी है, बिहार में अपराधियों की संख्या और आपराधिक घटनाओं की संख्या में इजाफा हो गया है। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय। अपराधी बेलगाम है, बिहार की महागठबंधन की सरकार अपराधियों को बचाने में, संरक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब बनी पिछले अगस्त महीने में, बिहार में अभी तक जो मौत हुई है वह मौत 1549 मौत, कल तक की बात मैं बता रहा हूं, कल तक 1549 मौतें हुई है। हत्या का प्रयास 561 लोगों पर का हत्या का प्रयास किया गया, मां बहनों के साथ, अबोध बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, नन्हे मुन्ने बेटियां, नन्नी मुन्नी बेटियां जब खेलती रहती है, अत्याचारी उठाकर उसको भी अपने हवस का शिकार बनाता है। और 246 मां बहन अड़बोध बेटियों का बलात्कार, यह बताता है कि यहां की सरकार निर्दयी और असंवेदनशील है। असंवेदनशील है। रेप करने वाले उस अपराधियों को संरक्षण देने वाली की सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार है। 109 लोगों का अपहरण हो गया, 109 लोगों का अपहरण हुआ, 396 से ज्यादा लूट की घटनाएं हुई है और 207 जगहों पर खुलेआम अपराधियों ने गोलीबारी की, 500 से ज्यादा चोरी की घटनाएं घटी है और लगभग 50 रंगदारी की घटनाएं घटी है। आप जानते हैं कि थानों में यह घटना दर्ज नहीं होती है, थानों में यह घटना दर्ज नहीं होती है, नहीं तो यह संख्या और ज्यादा होता। मैं सिर्फ 24 तारीख की बात कर रहा हूं, 24 फरवरी एक दिन की हत्या 12, मारपीट की घटनाएं 2, हत्या का प्रयास 5, फायरिंग 1 यानी कि खुलेआम गोलीबारी और 1 दुष्कर्म की घटना, कुल अपराधों की घटना 24 एक दिन में, 24 जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं उसको छोड़कर जिसके रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, इसको क्या कहा जाए, कौन राज कहा जाए? यह राज गुंडों को और अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। माननीय राधा मोहन जी चर्चा कर रहे थे किसानों का यह जिला है, इस जिले में, इस जिले में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के पास जब से किसान सम्मान निधि शुरू हुआ है 390 करोड़ की राशि, 390 करोड़ की राशि वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से गया है। 390 करोड़। कान खोल कर सुन लीजिए नीतीश जी और तेजस्वी जी, किसान विरोधी सरकार के नेता सुन लीजिए। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जहां लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री जी ने गरीबी देखा है। एक बड़ा रिपोर्ट आया था कि हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह मां के गर्भ में रहते समय मां को जब पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उस समय पौष्टिक आहार विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण मां के गर्भ में ही बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। जन्म लेने के बाद कई बीमारियों का शिकार होता है वह बच्चा,
माँ जन्म देती है, बच्चे कई बीमारियों के शिकार होते हैं। माँ ने, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, यानी कि बिहार में आए दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन सारी चीजों के सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ महागठबंधन की सरकार है। जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है बच्चियों के साथ और हर किसी के साथ हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।